नहर में डूबा 12 वर्षीय बच्चा, तीसरे दिन भी नहीं मिला। खरखौदा मटिंडू निवासी कुलदीप मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे अपने 12 वर्षीय बेटे कन्हैया के साथ छिन्नौली गांव के पास से होकर गुजरने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर के पास किसी काम से आया था। कुलदीप इस दौरान अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं कन्हैया नहर के किनारे पर कपड़े उतार कर नहाने के लिए नहर में उतर गया, लेकिन नहर में ज्यादा पानी होने के चलते वह डूब गया। जिसका पता चलने पर कुलदीप ने कन्हैया को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं सूचना पाकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और कन्हैया को कई किलोमीटर तक नहर में तलाश किया। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश, एसआई पवन कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन किशोर का नहर में पता नहीं चल पाया। आपको बता दें, कन्हैया के पिता कुलदीप का कहना है कि उसका बेटा कन्हैया 30 तारीख को सुबह करीब 11 बजे नहर में नहाने के लिए उतरा था, लेकिन वो नहाते समय नहर में डूब गया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बच्चे को नहर में काफी तलाश किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वही मंगलवार को ही प्रशासन ने रिलायंस नहर का पानी बंद करवा दिया, जिसमें सोनीपत जिले ने नाव के जरिए बच्चे को तलाश किया गया। और बुधवार शाम से ही पवन कुमार हेड कांस्टेबल की अगुवाई में 5 सदस्य एसडीआरएफ गुरुग्राम टीम कन्हैया को ढूंढने में लगी है, जिसमें अभी तक कन्हैया का कोई सुराग नहीं लग पाया है। डूबा था 30 तारीख को और हमारे को मैसेज मिला है कल दोपहर में। हम दोपहर में गुड़गांव से चल के आए हैं, शाम को 4:30 बजे यहाँ आ चुके हैं, और इसलिए सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं। अब भी नहर के अंदर ही कोशिश की जा रही है, पानी भी कम करवाया है, अभी तक मिला नहीं है बच्चा। कितने किलोमीटर तक का एरिया आपने कवर कर लिया अभी? यहाँ से 5-6 किलोमीटर का कर दिया अभी तो बच्चे की अभी तक कोई वो नहीं लगा। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।